गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.3। थ्रू दिस एक्सरसाइज फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एग्जांपल्स, देन योर एग्जांपल नंबर 7। यू हैव गिवन सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए हमको एक दिया है कंडीशन, किस मेथड द्वारा हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यू आर गिवेन 7x-15y=2 एंड x+2y=3 विच इज 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस, वेयर वी हैव गिवेन 7x-15y=2 इक्वेशन ऑन। क्लियर? देखिए हम इसको एक मेथड द्वारा सिंपली, अगर कोई कंडीशन ऐसे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया है, इस तरह का कोई कंडीशन ना हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। तब अगर कोई कंडीशन ना दी हो तब क्या करते हैं हम, देखिए इसमें देखिए कोफिशियंट देखते हैं एक्स का वाई का। देखिए किसी एक कोफिशियंट को हम इक्वल कर देते हैं वेरिएबल के, चाहे एक्स के कोफिशियंट को कर दीजिए चाहे वाई के कोफिशियंट। तो हमने क्या किया, एक्स के कोफिशियंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल किया। मींस इसमें एक्स का कोफिशियंट क्या है इक्वेशन नंबर 1 में 7, तो हम और इक्वेशन नंबर 1 में क्या है 2 में क्या है कोफिशियंट 1 एक्स का। तो इसको अगर 7 करना है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें 7 का, तभी तो हो जाएगा 7x और ऊपर 7x, दोनों कोफिशियंट इक्वल हो गए। तो हम इलिमिनेट कर देते हैं कोई एक को, अगर कंडीशन ना दी हो, जैसे इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है तब उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, बट अगर कंडीशन ना दी हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या करते हैं हम, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए इक्वेशन नंबर 2 में, 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7x+14y=21 विच इज इक्वेशन नंबर 3। आफ्टर देन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो हमें इक्वेशन मल्टीप्लाई करने पर फाइंड आउट होता है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 7x+14y=21 इक्वेशन 3 है आपका, एंड 7x-15y=2 इस इक्वेशन नंबर 1, 3 है इक्वेशन 1, हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया। देखिए सब्सट्रैक्ट करने पे साइन नेगेटिव, ए नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, देन 7x पॉजिटिव 7x नेगेटिव, देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 14y+15y=29y एंड 21-2 19। क्लियर? देन y=19/29। आफ्टर दिस पुटिंग दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन ऑफ अबव, किसी इक्वेशन में हम पुट अप कर देंगे वैल्यू ऑफ दिस, हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 आपका कितना है x+2y=3, इक्वेशन नंबर 2 यही है x+2y=3 यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन हमने पुट कर दिया तो क्या मिला x+2y 2 × y, y के प्लेस पे 19/29=3, देखिए 3 माइनस राइट हैंड साइड में था माइनस हो जाएगा, माइनस 19 × 2 = 38/29। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 3:29-38/29 वी हैव ऑब्टेंड 49/29। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस, x=49/29 एंड y=19/29। देखिए इजीली मेथड है, बट इसमें कंडीशन दिया है, यू हैव कंडीशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू पुट अप कर देते हैं दूसरे वेरिएबल के प्लेस पे। तो वी हैव गिवन 2 इक्वेशन, 7x-15y=2 एंड x+2y=3। इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एट x=3 2y लेफ्ट साइड से, अगर राइट साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा -2y। सो वी हैव गिवन x=3-2y इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग दिस वैल्यू, हमने एक इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली वेरिएबल फॉर्म में, x=3-2y
पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन, हमने इक्वेशन नंबर वन में पुटअप कर दिया। आफ्टर पुटिंग सेवन इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है थ्री वाई, थ्री माइनस टू आई, सेवन इंटू थ्री माइनस टू आई माइनस फिफ्टीन एक्स एज यूजुअल इक्वल टू टू, सेम है। देखिए ब्रैकेट के अंदर सेवन से मल्टीप्लाई करिए, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन माइनस सेवन टू जा फोर्टी फोर्टीन वाई इक्वल माइनस फिफ्टीन वाई इक्वल टू टू, ट्वेंटी वन फोर्टीन वाई माइनस फिफ्टीन वाई माइनस ट्वेंटी नाइन वाई इक्वल टू वन, माइनस ट्वेंटी नाइन वाई, ट्वेंटी वन राइट साइड में आएगा तो निगेटिव, सो टू माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू माइनस नाइन्टी वन, सो निगेटिव साइन निगेटिव साइन दोनों इलिमिनेट हो जाएंगे, देन ट्वेंटी नाइन वाई इक्वल टू नाइनटीन हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा नाइनटीन अपन ट्वेंटी नाइन, ये वाई की वैल्यू आ गई। एज एबव प्रोसेस, जैसे हमने एबव प्रोसेस में किया, वाई की वैल्यू पुटअप कर दिया इक्वेशन नंबर टू में, पुटअप कर दिया इक्वेशन नंबर तीस टू में हमने पुट कर दिया, तो एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगी फोर्टी नाइन बाई ट्वेंटी नाइन, एज एबव जैसे पहले हमने प्रोसेस में बताया वैसे पुटअप कर गया, तो एक्स की वो वैल्यू क्या मिल गई फोर्टी नाइन अपन ट्वेंटी नाइन, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। क्लियर, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया जाए तो इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, ठीक, न दिया जाए तो ऊपर वाला प्रोसेस जो हमने बताया उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोफिशियंट सेम करके को इलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसी को किसी इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं तो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाती है। योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर एट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम फॉलोइंग इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए हमें फिन कंडीशन दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो हम दूसरा मेथड नहीं यूज करेंगे। वी हैव गिवन एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी टू इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, विच आर इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, दो हमें इक्वेशन दिया है। फ्रॉम इक्वेशन वन, इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस थ्री वाई है राइट साइड में जाएगा तो प्लस थ्री वाई, तो थ्री वाई प्लस सिक्स, देन वी हैव ऑब्टेन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन वेरिएबल फॉर्म, वेरिएबल फॉर्म में एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, तो हम इसके बाद क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन वैल्यू ऑफ दिस मीन्स एक्स इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में हमने पुटअप कर दिया वैल्यू ऑफ दिस, आफ्टर पुटिंग पुट किया तो एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी टू इक्वल टू जीरो है, एक्स के प्लेस पर पुटअप कर दिया थ्री वाई प्लस सिक्स माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी टू इक्वल टू जीरो, देन थ्री वाई माइनस सेवन वाई प्लस फोर्टी टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, देखिए थ्री वाई माइनस सेवन वाई एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो सब्सट्रैक्ट होगा तो माइनस फोर वाई निगेटिव वाला लार्ज है तो माइनस फोर वाई फोर्टी टू प्लस सिक्स फोर्टी एट इक्वल टू जीरो, माइनस फोर वाई इक्वल टू इधर राइट साइड में फोर्टी एट आएगा तो निगेटिव साइन माइनस फोर्टी एट, निगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और वाई इक्वल टू फोर्टी एट बाई डिवाइड कर देंगे इसको फोर से तो वाई इक्वल टू ट्वेल्व, देन वी हैव ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर ऑब्टेन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल वी पुट द दिस वैल्यू ऑफ वाई इन एबव इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन उठा के पुटअप कर देते हैं, तो हमने क्या किया पुटिंग द वैल्यू ऑफ ट्वेल्व इन इक्वेशन वन आर टू, तो हमने टू में पुट किया मीन्स दिस में, तो एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई के प्लेस पे ट्वेल्व वैल्यू फाइंड आउट है इक्वल टू सिक्स, तो एक्स ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स इक्वल टू सिक्स, माइनस थर्टी सिक्स राइट साइड में आएगा तो प्लस थर्टी सिक्स, तो एक्स इक्वल टू फोर्टी टू, सिक्स प्लस थर्टी सिक्स फोर्टी टू, सो वी हैव ऑब्टेन एक्स इक्वल टू फोर्टी टू एंड वाई इक्वल टू ट्वेल्व, विच आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। योर एग्जाम्पल नाइन, इन दिस एग्जाम्पल वी हैव गिवन टू लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन में गिवन आउट है, पहला टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू नाइन एंड फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एट्टीन। देखिए इसमें से अगर हम टू, इसमें से अगर टू कामन ले लें, टू कामन ले लें हम, तो टू कामन लेंगे क्या बनेगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू, इसमें से भी टू कामन लिए राइट साइड से तो नाइन, ये देखिए टू टू से कैंसिल हो गया तो क्या मिला
टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू नाइन। पीछे इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन है देखिए सेम, देखिए दोनों इक्वेशन सेम है, सो इट इज़ नॉट फिक्स वैल्यू, तो इस कंडीशन में फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। हम कैसे पता लगाएंगे देख लीजिए, वी हैव गिवन बोथ इक्वेशन दिस एंड दिस, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से हम क्या लिख सकते हैं, टू एक्स इक्वल टू नाइन माइनस थ्री वाई, देखिए थ्री वाई इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा थ्री वाई, देन एक्स इक्वल टू नाइन माइनस थ्री वाई डिवाइडेड बाई टू, टू इधर आ जाएगा तो डिवाइडेशन में आ जाएगा टू, तो वी हैव ऑब्टेन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन वेरिएबल फॉर्म, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू वेरिएबल फॉर्म में फाइंड आउट हो गई। आफ्टर दिस क्या प्रोसेस हम यूज करते हैं, आफ्टर दिस वी यूज वैल्यू ऑफ दिस, मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन एबव इक्वेशन, सो वी पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, देन वी हैव ऑब्टेन टू इक्वेशन नंबर टू, आफ्टर पुटिंग फोर इंटू एक्स, देन फोर इंटू नाइन माइनस थ्री वाई अपॉन टू, एंड प्लस सिक्स वाई, प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एट्टीन, देन टू इंटू नाइन माइनस थ्री वाई, देखिए टू टू जा फोर, टू से डिवाइड होगा तो टू इंटू नाइन माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एट्टीन, देन टू का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो टू नाइन जा एट्टीन माइनस टू थ्री जा सिक्स वाई प्लस सिक्स वाई इक्वल टू एट्टीन, सिक्स वाई प्लस और माइनस इलिमिनेट हो जाएगा, देन एट्टीन इक्वल टू एट्टीन। क्लियर, देखिए हमें कोई किसी वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड आउट हुई, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट शोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ वाई, एक वाई के एक सभी वैल्यू के लिए ट्रू है। क्लियर, देयरफॉर वी कैन नॉट ऑब्टेन द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स, सो वी कैन नॉट ऑब्टेन एनी वैल्यू ऑफ एक्स विच आर स्पेसिफिक, कि कोई विशेष वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू एक्स की नहीं फाइंड आउट हो सकती इस कंडीशन में। क्लियर, तो सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.3, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।